हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आकाश बायजूस जेई चैनल तो आज के इस सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं जो काफी सारे स्टूडेंट्स इस प्रेजेंट मोमेंट पर ये चीज पूछ रहे हैं सोच रहे हैं कि इस बार एनटीए का जो पेपर जो जेई मेन एग्जाम होने वाला है वो एन कैसा सेट करने वाला है क्या वो पेपर का लेवल इंक्रीज करेगा या डिक्रीज होगा थोड़ा बैलेंस टाइप का पेपर होगा किस तरह का पेपर आ सकते हैं हम कैसा पेपर एक्सपेक्ट करें सर ये काफी सारे बच्चों के दिमाग में ये वाला सवाल है तो बच्चों 2022 का जो पेपर आया था वो आ, पेपर जो है बैलेंस टाइप का नहीं था मेरा मतलब है कि मैथ्स का पेपर वाज वेरी डिफिकल्ट वेरी ट्रिकी लेंदी पेपर था फिजिक्स केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस थे वो काफी फॉर्मुला बेस्ड और डायरेक्ट क्वेश्चंस थे आ, तो इस बार का जो पेपर जो फर्स्ट अटेम्प्ट में होने वाला है क्योंकि डेट्स जस्ट उन्होंने एक महीना पहले ही बताई है तो वी आर एक्सपेक्टिंग पेपर थोड़ा बैलेंस्ड साइड पर होगा यानी मैथ्स का उतना डरावना पेपर जो दो में हमने दोनों शिफ्ट में देखा था जून और जुलाई में वैसा शायद देखने को उतना डिफिकल्ट देखने को ना मिले रहता थोड़ा बैलेंस्ड पेपर देखने को मिलेगा जैसे हम लोगों को 2020 और 21 में देखने को मिला था लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चे ध्यान रखें चलो मैथ्स में तो हम लोगों को पता चल चुका है कि यार मैथ्स का पेपर चलो बैलेंस भी आया थोड़ा इजी हल्का सा आसान भी आ गया स्टिल वो पेपर एक डिफिकल्ट या लेंदी साइड पर तो एटलीस्ट होता ही होता है तो मैथ्स में तो काफी बच्चे बहुत एक्स्ट्रा कॉशियस है कि यार मुझे अच्छे से तैयारी करनी है फॉर्मुल रिवाइज करके जाने प्रीवियस ईयर करके जाने क्योंकि मैथ्स में पेपर बहुत ही डिफिकल्ट या लेंदी एटलीस्ट आ सकता है तो वो बच्चों के दिमाग में एक चीज बैठ गई है, तो तैयारी उसी हिसाब से बच्चे कर रहे हैं ठीक है लेकिन मैं बैलेंस की बात है कि फिजिक्स केमिस्ट्री की के अगर मैं बात करूं तो वहां पे हम ये गड़बड़ कर सकते हैं कि 2022 को रेफरेंस पॉइंट मानकर अगर हम ये बोल कि यार 2022 का पेपर जैसा फिजिक्स केमिस्ट्री में इजी आया था या फिजिक्स का फार्मूला बेस्ड आया था अगर वैसा ही 2023 में आएगा तो यह हम शायद सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं तो यह गलती मत करना बेटा क्योंकि पेपर जो है वो आपका बैलेंस साइड का मतलब है कि मैथ्स का पेपर अगर अगर लेंदी भी आता है थोड़ा हल्का हल्के से लेवल थोड़ा नीचे भी गिराते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री का लेवल अप हो सकता है तो अपनी जो तैयारी है फिजिक्स केमिस्ट्री स्पेशली इन दोनों सब्जेक्ट्स की वो बहुत ही अच्छे तरीके से करना आ, क्योंकि पेपर 2020-2021 में जैसा बैलेंस्ड पेपर आया था जैसे फिजिक्स का पेपर कई बार मैथ्स से टफ होता था या केमिस्ट्री का काफी ट्रिकी पेपर होता था तो वैसा पेपर देखने को मिल सकता है इस बार दो का क्योंकि जो फीडबैक था डेट वॉज कि यार बिल्कुल मैथ्स वॉज वे बिल्कुल ही अलग था और फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल अलग था तो शायद वो चीज वो कमी वो पूरी करेंगे दो के जनवरी वाले फर्स्ट अटेम्प्ट में है ना तो मैथ्स को लेकर आपकी जो सीरियसनेस है जो आप लंबे आंसर्स की मेहनत कर रहे हो वो करते रहो लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री को प्लीज लाइटली मत लेना और 2022 को रेफरेंस पेपर मत मान के सॉल्व करना कि यार वैसे ही पेपर दोबारा आने वाला है तो 21 और 2020, 19 वाले पेपर भी जरूर देखना वैसा पेपर आने के ज्यादा चांसेस केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली बेटा आप जो भी आपके स्कोरिंग टॉपिक्स हैं हाई वेटेज टॉपिक्स हैं या कुछ एनसीईआरटी टॉपिक्स जो होते हैं बैक जो एंड के चैप्टर्स होते हैं जिससे ज्यादा एनसीईआरटी लेवल के सवाल आते हैं जो बच्चे हमें जनरली याद करने पड़ते हैं तो उनपे जरूर फोकस करना ठीक है तो इस बार का जो पेपर है, आई एम होपिंग थोड़ा बैलेंस साइड पे आएगा अलग अलग शिफ्ट में किसी कभी फिजिक्स का पेपर या मैथ्स का पेपर अलग अलग सब्जेक्ट्स का पेपर ऊपर नीचे होता रहेगा तो इस तरह इस बार ये उम्मीद है ये उम्मीद हम कर सकते हैं क्योंकि जनवरी में अटैम्प्ट हो रहा है तो ऐसा uh, देखने को मिल सकता है बेटा ठीक है तो अपनी तैयारी उसी हिसाब से करना एंड किसी भी सब्जेक्ट को लाइटली मत लेना ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रांग सब्जेक्ट है उसी को पढ़ते जा रहे हो और बाकी सब्जेक्ट्स को आप कम पढ़ रहे हो ऐसा मत करना नहीं तो फिर गड़बड़ हो सकती है क्योंकि जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग अगर वही लेट से डिफिकल्ट आ जाए या ट्रिकी या लेंदी आ जाए तो फिर गड़बड़ हो सकती है तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके अपने टाइम को और तीनों सब्जेक्ट्स पर आप ध्यान लगाना बेटा ठीक है सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई मेन एग्जाम